मॉम्स मॉम्स रसोई में आपका स्वागत है। अभी श्रावण महीना चालू हो गया है और श्रावण महीना से हमारे दिवाली तक हर त्योहार होता है, तो हमें कुछ ना कुछ मीठा बनाना ही होता है भोग के लिए भगवान के। तो आज मैं सबसे इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो तिरुपति बालाजी की सबसे फेवरेट डिश है। और तो सबसे पहले उसके लिए लगने वाला है चावल एक कटोरी, जो 100 ग्राम्स है। ये दो व्यक्तियों के लिए मैं बना रही हूँ। उसके लिए 1 टेबलस्पून मूंग की दाल लगेगी। हम इस दोनों को एक बड़े से पतीले में मिक्स कर लेंगे और इसे साफ पानी से धो लेंगे। और आगे की जो सामग्री है वो लगने वाली है गुड़, फ्रेश कोकोनट की कुछ पीसेस काट लिए हैं, देसी घी 1 बड़ा चम्मच लगेगा, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लगने वाले हैं। तो उसमें है किशमिश, 7 से 8 किशमिश लीजिए, चिरौंजी लीजिए, काजू, पिस्ता मैंने आधा आधा काट लिया है, और बादाम को थोड़ा सा लंबा पीस कर लिए हैं, और 2 इलायची ली हैं, 2 लवंग ली हैं, और थोड़ी सी दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 4 मीरे लिए हैं। और जब तक हम इसे धो लें तब तक आप गैस पे बड़ी कढ़ाई रख दीजिए, मोटे तलवे वाली, और गैस चालू कर। ये दाल और चावल हमने धो ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। 1 बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, काजू ये सब डाल के, चिरौंजी, हम इसे थोड़ा सा धीमी गैस पे गुलाबी कर लेंगे, और फिर हम आखिरी में किशमिश डालेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है और बिल्कुल गुलाबी होने दिया है, ज्यादा नहीं जलाएं, तो नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। और हमने अब इसमें किशमिश डाल दी है। अब किशमिश फूल जाए तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल के एक कटोरी में अलग से रख देंगे। हमने सब ड्राई फ्रूट्स तले के अलग से निकाल लिए हैं, और लवंग, दालचीनी और मीरे हैं घी में हमने डाल दिया है, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लें, और जो फ्रेश कोकोनट हमने काटा है वो डालेंगे। इसे थोड़ा सा गुलाबी होने दें, ध्यान रहे लवंग कभी कभी उड़ती है तो थोड़ा सा दूर रहें आप। इसे हम थोड़ा सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारा गुलाबी हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं गुलाबी रखें। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, हमने पूरे चावल डाल दिए हैं, और तब तक आप 3 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए गैस पे। ये हम जब तक इसे थोड़ा सा भून लें तब तक पानी गर्म हो जाएगा। थोड़ा आपको अगर नरम कंसिस्टेंसी का चाहिए तो 3 कटोरी डालिए जिससे हमने चावल लिया है, और अगर आपको थोड़ा सा सूखा चावल चाहिए, खिला खिला चावल चाहिए, तो फिर आप 2 कटोरी पानी डालिए। और अगर नेक्स्ट टाइम मैंने आपको हरदम बताया मेरी हर डिश में आप वेरिएशन कर सकते हैं, तो इसे नेक्स्ट टाइम जब आप पकाएं तो कोकोनट मिल्क के साथ पकाएं, बहुत अच्छा लगता है, वो भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। आज हम बेसिक बना रहे हैं तो पानी में ही बनाएंगे, और कंसिस्टेंसी उतनी ही ले, जितनी पानी ले रहे हैं उतना ही हमें नारियल का दूध डालना है। ये बस हो गया है, अभी चावल हमने थोड़ा सा भून लिया है। 3 से 4 मिनट आप भूनिए इसे अच्छी तरह से, और अगर आपको बहुत खिला हुआ चाहिए तो फिर आप पूरा गुलाबी कीजिए तो बहुत खिला हुआ रहेगा, और अगर आपको थोड़ा सा नरम चाहिए तो इस कंसिस्टेंसी पे 4 मिनट आप भूनिए अच्छी तरह से मीडियम गैस पे। पानी डाल देंगे, मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा नमक डाल दिया है। कोई भी मीठी चीज में थोड़ा सा नमक डालें तो उसका स्वाद और 2 गुना अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, इसीलिए हम नमक डाल रहे हैं। अब हम इसे पकने देंगे, पूरा चावल हमें पकने देना है। इसे कम से कम मीडियम गैस पे 15 मिनट तक ढक के रख दीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, ये चावल अच्छा पक गया है, मगर अभी भी बहुत इसमें पानी बचा है और हमें पूरा चावल गल जाना चाहिए हमारा। तो अब मैंने थोड़ी सी गैस को हाई कर दिया है, और हम हाई गैस पे फिर से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। आप कोई भी चावल ले सकते हैं घर में जो आप रोज खाते हैं, या फिर बासमती चावल लें, कोई भी चावल इसके लिए। तो चावल में पकने में अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग पानी लगता है, तो आप उस तरह से चेक करके ही करें। ये देखिए अभी और 5 मिनट मैंने पका लिया है, कितना मस्त अभी ये पक गया है। और हम जो चम्मच की बैक साइड से इसे थोड़ा सा मैश करते हुए इसे
दबा के और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए आपका चावल। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। हमने 1.5 कटोरी गुड़ डाला है। आप गुड़ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं आपके अनुसार, आपको किस तरह से मीठा पसंद है। कोई डबल डालता है तो कोई बराबरी का डालता है। और याद रखें, गुड़ डालने से पहले कंफर्म कर लें कि आपका चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि गुड़ डालने के बाद आपका चावल बिल्कुल पकेगा नहीं और वो कच्चापन उसमें वैसा ही रह जाएगा गुड़ डालने के बाद। अब हम इसे फिर से 5 मिनट धीमी आंच कर दिए मैंने। आप भी गुड़ डालते टाइम धीमी आंच कर दें और इसे हम धीमी आंच पे पूरी तरह से पकने देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक आपका पूरा गुड़ पिघल नहीं जाए। ये हमारा चावल अब फाइनल स्टेज पे आ गया है, पूरा गुड़ पिघल गया है और पक गया है अच्छी तरह से गुड़ के अंदर चावल। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको और घी पसंद है तो आप सर्विंग प्लेट में आपके जब आप सर्व करें तब उसके ऊपर से घी डालें, या फिर अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। और ये 2 दिन अच्छा रहता है बाहर, और आपको अगर रखना है फ्रिज के अंदर तो ये हफ्ता भर इसी तरह से अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। ये सफर में भी ले जा सकते हैं आप इसे। तो ये चलिए, हो गया आपका पोंगल तैयार। हम सर्विंग बाउल में इसे निकाल लेंगे। आप इसे गर्मा गर्म खाइए या ठंडा खाइए, ये बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। मैं तो अब रुक नहीं सकती हूँ कब ये ठंडा हो और खाएं, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा गर्म जब रहता है तो नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मीडियम होने दीजिए ठंडा और फिर इसे एंजॉय करिए। ओके, बाय।